देखिए, तो टॉपिक का नाम क्या है? मटेरियल. क्या नाम है बाबू? तो चैप्टर का नाम है मटेरियल. मटेरियल आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं. मटेरियल में तीन तरह का सम सीयू में आता है. सीयू के एग्जाम में कितना तरह का सम आता है बाबू? तीन. बोलिए ना. तीन. एक आता है ईओक्यू वाला. ईओक्यू वाला. ओ माय गॉड, कौन वाला? ईओक्यू वाला. उसके बाद एक सम्स आता है मिनिमम मैक्सिमम वाला. कौन वाला? मिनिमम मैक्सिमम वाला. रटा देंगे आपको हम. और उसके बाद एक तो सम्स आता है स्टोर लेजर. स्टोर लेजर. स्टोर लेजर. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक हम लोग का ईओक्यू वाला. ईओक्यू वाला. देखिए, आज जो पहला कैटेगरी का सम्स हम आपको कराने जा रहे हैं, सीयू एग्जाम सेमेस्टर टू. देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है मटेरियल. मटेरियल मतलब क्या होता है भाई? और ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? मटेरियल का मतलब होता है कोई भी सामान को बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसको बोलते हैं मटेरियल. एक बात बताइए, आप लोग कपड़ा पहनते हो या शर्ट पहनते हो? बताओ, सोचो, बताओ. कपड़ा नहीं पहनते. काहे? अगर हम लोग कपड़ा पहनते तो हम लोग का लुक कैसा होता? गांधी जी की तरह होता, लपेट के आते. समझ रहे ना? कपड़ा तो वही हुआ ना बाबू. टॉवल जो है आपके घर में वो कपड़ा है. गमछा जो है आपके घर में वो कपड़ा है. वो सब कपड़ा का एग्जांपल हुआ. बोर्ड पोछने के लिए ये जो है ये क्या बाबू? कपड़ा है. ये पहन के आते क्या बताइए? कोई बच्चा को देखिए, ये वाला पहन के आए. देखिए, आए असम जी. अच्छा देखिए, ये डस्टर किससे बना है बताइए? वो तो सबको पता है बाबा. मेटल का नाम बोलिए. प्लास्टिक से बना है. प्लास्टिक के और भी बहुत कुछ है. दरवाजा किससे बना बताइए? किससे? वुड से बना. इंग्लिश में वुड, हिंदी में लकड़ी. लकड़ी से बना है तो आप लकड़ी यूज करें ना, दरवाजा यूज करें. अच्छा लास्ट एग्जांपल, आप पाव रोटी खाते हैं, पाव रोटी खाते हैं या फिर मैदा खाते हैं? बोलिए, मैदा या पाव रोटी? पूरी या मैदा? पूरी खाते. अच्छा पूरी क्या हो गया? गुड्स, फिनिश गुड्स. अब मैदा क्या हो गया? बोलिए, रॉ मटेरियल. मटेरियल बोलिए एक शब्द में. तो बताइए, अगर आपसे पूछेंगे कि मटेरियल मतलब क्या, तो मटेरियल मतलब हर वो चीज, हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए. किसी चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसको बोलते हैं मटेरियल. किसी चीज को बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल. अच्छा ये टूल किससे बना है? प्लास्टिक. क्या है टूल? क्या है प्रोडक्ट? फिनिश गुड्स बोलिए या फिर प्रोडक्ट बोलिए ना. तो आप बताइए ना, आपके घर में आप बताइए, रोटी खाते हैं, मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया. अच्छा बताइए, आप रोटी खाते हो या आटा खाते हो? रोटी. रोटी की आटा? रोटी. आटा से बनता है रोटी. आटा से बनता है रोटी. कभी किसी को देखे सुबह उठ के मम्मी को ले, मम्मी थोड़ा आटा लेके आई ना, एक किलो आटा खाने का मन कर. कभी खाए हो आप आटा? कभी खाए हो? नहीं खाए. तो याद रखिएगा, रोटी क्या है? प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट. भाइयों और बहनों, इस चैप्टर में हम लोग को मटेरियल के बारे में पढ़ना है. मटेरियल दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. एक क्या होता है? दूसरा एक तो दूसरा डायरेक्ट मटेरियल वो होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल जो आपको सामान के साथ दिखता है. अगर आपसे पूछेंगे ना कि शर्ट किससे बना है तो आप बोलोगे कपड़ा. क्या बोलोगे? दरवाजा किससे बना है? बट उसके अलावा भी बहुत कुछ लगा है उसमें. दरवाजा में वैस वो बच्चा बोले फेविकोल लगा हुआ है. फेविकोल क्या है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है. अच्छा शर्ट में धागा भी तो है. धागा भी तो है. धागा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट. आई होप आप समझ गए होंगे. तो बताए मटेरियल कितना तरह का होता है? डायरेक्ट और डायरेक्ट और जो सामान के साथ दिखता है. जो दिखता है डायरेक्ट. डायरेक्ट डायरेक्ट दिखता है ना वो प्रोडक्ट के साथ. जो प्रोडक्ट का साथ, देखो मतलब एकदम लोकल भाषा में समझिए, तो जो प्रोडक्ट के साथ अस्तित्व है उसका. तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना हमारे बिना तुम नहीं, डायरेक्ट मटेरियल है. अगर आपको बोलेंगे ये टूल किससे बना है, आप एक वर्ड में बोलोगे प्लास्टिक. प्लास्टिक प्लास्टिक. क्या बोलोगे? प्लास्टिक. यस. तो जो प्रोडक्ट के साथ दिखे वो क्या है? मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल. जो नहीं दिखता है. अच्छा लेबर में भी वैसे ही है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है. हर चीज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट. जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कोचिंग कहाँ पढ़ते हो, तो आप डायरेक्ट मेरा नाम लोगे. तो ये हम क्या हो गया? डायरेक्ट. हम क्या हो गया बाबू? डायरेक्ट. लेकिन इसमें इनडायरेक्ट भी तो है ना. इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है बताइए? इनडायरेक्ट मतलब जो लोग, जो मान लीजिए बुक प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो आदमी मान लीजिए बुक प्रिंट कर रहे हैं कोचिंग में, जो बुक प्रिंट कर रहे वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट. जो आदमी बुक प्रिंट कर रहे वो क्या बाबू? इनडायरेक्ट है. उनको तो आप नहीं देखे. कोचिंग में मासी आती है कोचिंग को साफ करने के लिए, वो तो इनडायरेक्ट है क्योंकि उनको तो आप नहीं जानते हो. वो जानते हो मासी को? मासी को जानते हैं आप? बात किए नहीं देख जानते, क्योंकि मासी को आती है उनको आप नहीं देखते, लेकिन वो भी तो काम करे. अगर वो साफ सुथरा नहीं करके जाएंगे तो क्या हम लोग क्लास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे.
तो भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक हम लोग का यही है मटेरियल, लेकिन सवाल ये कि यहाँ पे थ्योरी नहीं, यहाँ पर हम लोग आज टॉपिक है सम्स, हम लोग सम्स करेंगे। मटेरियल में बाबू पहला कैटेगरी है ईओक्यू वाला सम्स। कैसा वाला? ईओक्यू। देखिए मटेरियल का एक खूबी है, मटेरियल ज्यादा होना भी ठीक नहीं है, कम होना भी ठीक नहीं है। जैसे अगर मटेरियल ज्यादा हो गया तो रखे रखे खराब हो जाएगा, ये सुनो। और मटेरियल कम हो गया वो भी ठीक नहीं, जैसे कोचिंग में हो जाता है, कोचिंग का बुक हम लोग कम कम करके मंगाते हैं, तो क्या होता है कोई बच्चा आज पैसा देता है तो उसे एक सप्ताह 10 दिन बाद बुक मिलता है। कहे कहे कि ये भी खराबी है, मटेरियल कम होना भी ठीक नहीं है और ज्यादा होना भी ठीक नहीं। क्या बोले तो ज्यादा मटेरियल रहेगा तो रखे रखे खराब भी तो होगा ना बाबू, मटेरियल रखे रखे खराब नहीं होगा, सामान खराब नहीं होता है। आप मान लीजिए किसी का मिल्क प्रोडक्ट का बिजनेस है, मान लीजिए आप लोग में से उसका तो और लॉस हो जाता है। किसी का घर में फाइनली मान लीजिए सब्जी वब्जी का बिजनेस व्यापार है, उसमें तो और लॉस होता है, उसे तो रखे रखे खराब हो जाएगा। तो याद रखिएगा मटेरियल का ओवर स्टॉकिंग भी ठीक नहीं है, अंडर स्टॉकिंग भी ठीक नहीं है, ओवर स्टॉकिंग भी ठीक नहीं है, अंडर स्टॉकिंग भी ठीक नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, चैप्टर का एक्चुअल नाम है मटेरियल कंट्रोल। किताबों में सीयू के सिलेबस में मटेरियल ही करेंगे, एक्चुअली समझिए इस चैप्टर का नाम है मटेरियल कंट्रोल। यहां पर हम मटेरियल को कंट्रोल करना सिखाएंगे कि ज्यादा मटेरियल कैसा होगा, कम मटेरियल कैसा होगा। रेडी हो ना आप? चलो तो आज का टॉपिक हम लोग का मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल में जो सबसे पहला सुंदर सा वर्ड है वो है ई ओ क्यू। क्या बाबू? ई ओ क्यू। क्या बोलिए ना? ई ओ क्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक और नाम है री ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम है बाबू? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक और नाम है री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है, या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है बेस्ट क्वांटिटी। मतलब एक बार में बाजार जाएंगे तो कितना किलो खरीद के लाएंगे, कितना यूनिट खरीद के लाएंगे, कितना पीस खरीद के लाएंगे, इसको बोलते हैं ई ओ क्यू। क्या बोलते गाइस? ई ओ क्यू। क्या बोलते? बोलिए। ई मतलब, ओ मतलब, क्यू मतलब, ई मतलब, ओ मतलब, क्यू मतलब, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बाबू? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, समझ गया ना? पर ये निकालते कैसे? पर ये आइए इसके साथ ना तीन फॉर्मूला आपको अभी हम लिखवाएंगे, उसके बाद सम्स करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होगा ई ओ क्यू। क्या होगा? इसका और एक नाम है आर ओ क्यू। ई ओ क्यू का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक क्वांटिटी। आर आर ओ क्यू का फुल फॉर्म है, बाबा पूरा फील ले रहे हो तो फीलिंग में चले जा रहे हो आकाश। चलो अच्छा, इसको निकालने का फॉर्मूला, इसको निकालने का एक लवली फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला है? टू ए ओ बाई सी। ठीक है आप, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो रूट है ना, ये तो क्या है? क्या है उसका? हियर मतलब यहाँ पे, टू का जगह पे तो टू ही होगा फॉर्मूला। सबका मतलब बता रहे, ए का जगह पे क्या होगा? ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। ए का मतलब एनुअल, एनुअल डिमांड बोलिए, एनुअल यूजेस बोलिए, एनुअल कंजम्पशन बोलिए, मतलब कि साल भर में कितना यूज करेंगे, साल भर में एनुअल क्वेश्चन। किसी किसी क्वेश्चन में डिमांड लिखा रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में यूज लिखा रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में कंजम्पशन लिखा रहेगा। आप देख के डर जाओगे क्या? नहीं। तो बताओ एनुअल डिमांड, यूजेस या फिर कंजम्पशन, कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ओ का मतलब, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब एक बार ऑर्डर देने जाएंगे ना बाबू, तो ऑर्डर देने में भी तो खर्चा लगता है, तो ऑर्डर देने जाएंगे तो खर्चा नहीं लगेगा। अभी आपका मम्मी आपको बोले कि जाओ, क्या बोली मम्मी? जाओ बड़ा बाजार से आटा लेके आओ। क्या बोली मम्मी? क्या बोली मम्मी? जाओ बड़ा बाजार से आटा लेके आओ। तो बड़ा बाजार से अगर आटा लेने जाइएगा तो उसे खर्चा नहीं लगेगा, भाड़ा भी तो लगेगा ना, भाड़ा भी तो लगेगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब एक बार ऑर्डर देंगे तो कितना रुपया खर्चा होगा, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या बोलते हैं अबू? हाँ कि नहीं? समझे कि नहीं? चलो सी का मतलब होता है बाबू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका मतलब क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट मतलब एक पीस का, पर एनम मतलब एक साल का। कैरिंग कॉस्ट मतलब बाबू, कैरिंग कॉस्ट में सामान को संभालने, जैसे अगर हम बहुत ज्यादा बुक कोचिंग में मंगवा लेंगे तो हमको रखने के लिए गोडाउन का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा बात है बुक रखे रखे बुक खराब हो जाएगा, कुछ चूहा काट दिया, चूहा का गारंटी कौन लेंगे? आप लेंगे? नहीं। हम लेंगे? नहीं लेंगे। तो कोई भी सामान को जब आप रखते हो ना गोडाउन में, एक डर रहता है कहीं चूहा खा गया तो। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चूहा। कौन? चूहा का डर। देखिए हम लोग भारतीय समाज में चूहा एक बहुत बड़ा दुश्मन है हम लोग का, बस बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज देखोगे आपका मार्कशीट चूहा काट दिया, कपड़ा
कपड़ा काटता है तो फिर भी बर्दाश्त होगा, सोचिए मार्क्सिक काट दे रहा है तो वो लोग का कोई भरोसा नहीं है। ए मतलब क्या बोलिए? एनुअल डिमांड। ओ मतलब क्या बोलिए? सी मतलब? कोई दिक्कत है? चलो एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है बाबू। एक सम्स में लेकिन खाली ये निकालने नहीं देगा, इसके साथ दो चीज और बोलेगा आपको, बोलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए, मतलब साल में कितना बार ऑर्डर देंगे आप। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है 12 मंथ मतलब 12 महीना। सर 12 महीना क्यों लिए? साल में 12 महीना होता है, 12 महीना डिवाइडेड बाय लिखिएगा ई ओ क्यू। देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर, अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने बोला है, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल डिमांड, क्या जाएगा बाबू? बाय ई ओ क्यू। अच्छा ई ओ क्यू का फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कोई दिक्कत? आ थर्ड वाला में लिखिए, थर्ड वाला में है पूछेगा आपको टाइम गैप निकालने बोलेगा कि दो ठो ऑर्डर का बीच में कितना महीना का गैप होगा बताइए। तो उस केस में फॉर्मूला होगा 12 मंथ्स क्यों? क्योंकि साल में 12 महीना होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। और दो ठो तीन ठो सम्स बनाएगा ना, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा छाप नहीं। पहले आपको पूरा ये फॉर्मूला उतारना है आपको, पहले आप रुक जाइए पहले आपको बताइए प्लीज, पहले क्या निकालेंगे? EOQ का दूसरा नाम, EOQ का फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, RO का फुल फॉर्म रीऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या? रूट का अंदर 2 AO/C, प्यार से। ए मतलब एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड मतलब महीना का ना, साल का, महीना की साल, साल की महीना, साल की महीना। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। रट क्यों देखिए, बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो आपको वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं, इंग्लिश आप सीख जाते हो, इसलिए साथ साथ बना। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू, एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। टाइम गैप का मतलब 12 महीना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। जल्दी से फॉर्मूला उतारिए, जल्दी से सम्स करेंगे, आप इंतजार नहीं हो रहा बाबा, रिज्यूम नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए तो सम्स, देखिए सम्स करें, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 बुक का हम लोग कर रहे हैं, वहां पे दिया हुआ है सारा डिटेल, देख लीजिए एक बार। बस में ना कि मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 50 है, वीकली कंजम्पशन 300 यूनिट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 650 है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 2% पर मंथ है, पर मंथ ऑन कॉस्ट। अब उसको निकालना तीन चीजें, ईओक्यू निकालना है, टाइम गैप निकालना है, और आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो देखिए ईओक्यू कैसे निकालेंगे बाबू? 2 AO/C, एक जगह पे एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड एक महीने एक सप्ताह का दिया हुआ है ना 300, तो उसको कितना से मल्टीप्लाई किए? 52 सप्ताह होता है, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, 300 × 52 कितना गया? 15,600। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो दिया हुआ है ना, और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे आपको हम रटवा, सम्स भी रटवा देंगे। कैरिंग कॉस्ट बोला 2% कैरिंग कॉस्ट जब भी निकालिएगा मटेरियल का दाम पे निकालिएगा। क्या मटेरियल का दाम क्वेश्चन में दिया रहता है? हाँ, अगर नहीं दिया रहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो 2% किसका? 50 रुपया का, हमारे जितना आया उसको 12 से गुना के, 12 से क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर मंथ, और आपको क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जितना बार उतारिएगा ना ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा सम्स में, तब ना याद होगा। और इसमें बैठा दिए तो 2 15,600 650 / 12 के तो 16,90,000, रूट बटन क्लिक करिएगा। सर मेरा कैलकुलेटर में रूट बटन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता है। आंसर कितना गया? 1300 यूनिट। और दो चीज निकालने के लिए बोला है, और एक चीज तो ये हो गया, और एक तो उसमें बोला है नंबर ऑफ अभी गरम गरम फॉर्मूला पढ़ाए थे, एनुअल डिमांड बाय आप लोग बताइए ना, एनुअल डिमांड साल में कितना चाहिए? 15,000। ईओक्यू कितना आया? कितना आएगा? 12 ऑर्डर, कितना ऑर्डर जी? 12। और लास्ट थर्ड वाला टाइम गैप, सबको दिख रहा बाबू की थोड़ा ऊपर लिखे दिख रहा, अभी तो ज्यादा भीड़ भी नहीं है आज वाला बैच में। तो टाइम गैप कैसे निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा कैमरा में इतना ही आएगा ऊपर लिखने से, 12 मंथ्स बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो देखिए 12 मंथ्स के जगह पे हमेशा 12 मंथ्स ही होगा अगर महीना में निकालिएगा तो। और नंबर ऑफ ऑर्डर अभी आप कितना निकाले? 12 ना, बहुत बच्चों को 120 लगेगा तो हटा के लिख रहे 12, तो 12/12 कितना आएगा जी? 1 मंथ, कितना आएगा? इसका मतलब क्या हुआ पता है? एक ये अपने आप में कहता है, आपका खामोशी आपके शब्द होते हैं, आपका खामोशी आपके शब्द होते हैं, खामोशी सबसे ज्यादा कहता है, खामोशी सबसे ज्यादा है। जैसे वो एग्जांपल देते ना, हम लोग का बिहार में शादी होता तो क्या होता बताए थे ना आप लोगों? शादी होता तो लड़का से पूछेगा शादी करोगे, तो बोले करा दीजिए, लड़की से पूछा शादी करोगे, लड़की भाग जाती,
उसका खामोशी जवाब है कि हाँ बिया करा दीजिए, क्या करा दीजिए, बिया करा दीजिए। तो यहां पर देखे खामोशी भी शब्द होता है, खामोशी भी शब्द होता है। तो ये खामोशी क्या कहता है, खामोशी कहता है कि आप एक बार ऑर्डर देने जाइएगा तो कितना ऑर्डर दीजिएगा 1300, और साल में कितना बार ऑर्डर दीजिएगा 12 बार, और दो ऑर्डर के बीच में गैपिंग कितना महीना होगा 1 महीना। हम इस सम्स का मतलब क्या होता है वो बता रहे हैं आपको। हम मतलब एक बार ऑर्डर देने जाएंगे तो बेस्ट कितना ऑर्डर देंगे, बोलिए ना, और कितना बार ऑर्डर देंगे, और दो ऑर्डर के बीच में गैप कितना महीना, प्लीज उतारिए।